जय हिंद। इस वीडियो में हम पेट्रोलियम की जांच करने से लेकर उसे निकालने तक की पूरी प्रक्रिया को समझते हैं, किस प्रकार से इसकी जांच की जाती है और फिर इसे निकाला जाता है। अभी इसे किसी भी चीज़ को निकालना इतना ज़्यादा आसान नहीं है। जैसे अगर आपके पास कोई भी चीज़ है तो उसे आप किसी को जब देना है तो दे तो देते हैं बड़ी आसानी से, लेकिन किसी अनजान व्यक्ति से आपको जब कोई भी चीज़ लेनी होती है तो उसे लेने में आपको लोहा लग जाता है, बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, बहुत मुश्किल हो जाता है। तो जो पृथ्वी के अंदर जो चीज़ें हैं उनको निकालने में बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ जाता है। पृथ्वी के ऊपर जितने भी हम गलत काम करते हैं या सही काम करते हैं तो ये हर एक काम को अपना सहन कर लेती है। इसकी जो सहनशीलता है बहुत ज़्यादा है, ये बहुत ज़्यादा सहनशील है। तो जितने भी पेट्रोलियम है, गैसेस हैं, पेट्रोल डीजल, जितने भी ज्वलनशील पदार्थ हैं, ये सब पृथ्वी के अंदर ही स्टोर रहते हैं। तो पेट्रोलियम रहते हैं, बनते कैसे हैं? तो आज के लगभग हजारों सालों पहले जब कभी भूकंप आया होगा, या जब इस धरती का उलटफेर हुआ होगा, अनुमान लगाया जाता है कि इस धरती पर पहले बहुत बड़े बड़े डायनासोर जैसे जानवर थे, बहुत विशालकाय जानवर थे, तो इन सब जानवरों का अंत हो गया। तो उसका रीजन यही था कि भूकंप आया था या कोई भी उल्कापिंड से टकराया हो, एस्टेरॉयड कोई भी टकराया हो, इसका अनुमान ही लगाया जाता है। इसको एग्जैक्टली नहीं कहा जा सकता है कि कब टकराया था या कैसे क्या हुआ था, या सिर्फ अनुमान लगाया जा सकता है क्योंकि इसको किसी ने देखा तो है नहीं। हम उसी चीज़ को एग्जैक्ट बता सकते हैं जिसे देखा हो, बाकी तो अनुमानित ही कहेंगे ना। उसको अनुमान ही लगाया जाता है, तभी बताया जाता है कि लगभग इतने सालों पहले ये घटना हुई होगी। तो इसका कोई एग्जैक्ट पता नहीं है कि कब हुई होगी। तो यही है कि जब हजारों सालों पहले यहाँ पर विस्फोट हुआ होगा या भूकंप आया होगा या कोई भी चीज़ इससे टकराई होगी, तो जितने भी इस पर प्राणी रहते थे, जितने भी जानवर रहते थे, जितने भी प्राणी रहते थे, पेड़ पौधे हुए, जानवर हुए, कोई भी हुआ, तो वो सब इस पर टकराया होगा। तो अभी से बात है कि ये सब नीचे चला गया होगा क्योंकि उलटफेर हुआ था। तो फिर जब ये सब नीचे चला गया तो ये पृथ्वी के अंदर चला गया और ये नीचे दब गया, ये सब नीचे यहाँ पर जाके दब गया, ये दबा रहा, दबे 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 दबे, फिर इसका डिफॉर्मेशन होना स्टार्ट हुआ, सड़ना स्टार्ट हुआ, सड़ने के साथ साथ यहाँ पर इसमें गैसें बनना स्टार्ट हुई, फिर इससे धीरे धीरे पेट्रोलियम बनना स्टार्ट हुआ, सड़ना स्टार्ट हुआ, कुछ चीज़ें जो थी वो जल गई, जल के राख हो गई, क्योंकि पृथ्वी के अंदर का जो कोर का टेम्परेचर है वो लगभग 6000 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास है। तो इतना टेम्परेचर रहेगा तो ये कोर का टेम्परेचर, जब इतना टेम्परेचर रहेगा तो कोई भी चीज़ हो वो जलकर राख ही हो जाएगी, बचेगी तो है नहीं। तो इस प्रकार से जो कुछ चीज़ें जल गई और कुछ चीज़ों जो बची, तो जो चीज़ें बच गई तो फिर उसके बाद उनका वो सड़ना स्टार्ट हो गई। सड़ने के साथ साथ ही उनसे ये पेट्रोलियम जो था ये बनना स्टार्ट हुआ। तो जब पेट्रोलियम बना तो वो एक जगह पर स्टोर हो गया, क्योंकि वो पानी के साथ मिक्स तो होता नहीं, पानी के साथ बहेगा नहीं, वो एक चीज़ एक जगह पर जाके स्टोर हो गया। स्टोर होने के साथ फिर वो वहीं पर दबा रहा, तो आज भी वो वहीं पर दबा ही है। जब हमें किसी भी अनजान जगह पर पेट्रोलियम की खोज करनी रहती है तो सबसे पहले हम उस जगह का चुनाव करते हैं जहां पर हमें संभावना रहती है कि ये ज़्यादा मात्रा में वहां पर मिल जाए हमें, तो हम उस जगह का चुनाव कर लेते हैं। जब उस जगह का चुनाव कर ले, मान लीजिए हमने यहां पर इस जगह को चुन लिया है इसके पेट्रोलियम के निष्कासन के लिए, या हम यहाँ पर अनुमान लगाते हैं यहाँ पर इसकी उपलब्धता है, तो हम यहाँ पर एक बोरिंग गड्ढा खोद लेते हैं, जिसकी जो गहराई रहती है वो लगभग 200 से 250 फीट रहती है। 200 से 250 फीट का जो गड्ढा रहता है उसको खोद लिया जाता है। जब इतना ज़्यादा गहरा गड्ढा खोद लिया जाता है तो इसी गड्ढे में ले जाकर हम एक्सप्लोजिव को डाल देते हैं, इसी गड्ढे में ले जाकर हम विस्फोटक डालते हैं। विस्फोटक क्यों डालते हैं? विस्फोटक इसलिए डालते हैं क्योंकि ये जो सब चीज़ें रहती हैं बहुत ज़्यादा गहराई में रहती हैं, इतनी ज़्यादा गहराई में रहते हैं कि जिन्हें हम बोरिंग की सहायता से तो डायरेक्टली पता नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इन सब चीज़ों में खर्चा बहुत आता है। अगर वहाँ पर नहीं हुआ तब तो सारा पैसा बेकार, हर एक चीज़ गई, मेहनत गई, पैसा गया, टाइम गया, सब चीज़ गई। तो यहाँ पर कुछ हम इतना ज़्यादा गड्ढा कर लेते हैं, फिर गड्ढा करने के बाद इसके अंदर विस्फोटक ले जाते हैं। तो विस्फोटक रहता है, विस्फोटक में बम या फिर डायनामाइट का उपयोग करते हैं। विस्फोटक में डायनामाइट या बम का उपयोग करते हैं। इसका जो डायनामाइट या बम उपयोग किया जाता है, इसका जो वेट रहता है वो 2 से 2.5 किलोग्राम का रहता है। इतना ज़्यादा भारी भरकम जब बम हम इसके अंदर लेके जाके इसको विस्फोट कर देते हैं तो पृथ्वी के अंदर नीचे की ओर लगभग
8 से जो 10 किलोमीटर का एरिया रहता है उसके अंदर सब तरंगे उत्पन्न हो जाती हैं। सब पूरा ब्लास्ट हो गया, जब ब्लास्ट हुआ तो उसके अंदर क्या हुआ, तरंगे उत्पन्न हुई, तो वहाँ पर सिस्मिक तरंगे बन जाती हैं, सिस्मिक तरंगे जनरेट हो जाती हैं। तो इन्हें हम सिस्मोफोन की मदद से रिकॉर्ड कर लेते हैं। सिस्मोफोन की मदद से हम इन सिस्मिक तरंगों को रिकॉर्ड कर लेते हैं। जब इन तरंगों को रिकॉर्ड कर लेते हैं, रिकॉर्ड करने के बाद इन्हें हम लैब को में लेके जाते हैं, लैब में इसका अध्ययन करने के लिए लेके जाते हैं। जो तरंगे रहती हैं वो इस चीज़ का पता लगाते हैं कि कहाँ पर किस चीज़ की मात्रा है, पेट्रोलियम की मात्रा है, गैस की मात्रा है, कितनी मात्रा में यहाँ पर उपलब्धता है किसी भी चीज़ की। सिस्मोफोन में इन सब चीज़ों को रिकॉर्ड कर लिया जाता है, तो रिकॉर्ड करने के बाद इन्हें लैब में लेके जाया जाता है, लैब में इसका अध्ययन किया जाता है सुपर कंप्यूटर की मदद से। सुपर कंप्यूटर की मदद से इसका अध्ययन किया जाता है। ये आम कंप्यूटरों की तो बस की बात नहीं है, कहते हैं हमसे नहीं होगा, ले जाओ इसको, ये बड़ी सामान है, क्योंकि सुस्त तरंगों की जांच करना तो सबके बस की बात नहीं है। यहाँ पर बहुत ही सुपर फास्ट कंप्यूटर की ज़रूरत रहती है, इन कंप्यूटरों की तो बस की बात है ही नहीं, ये सब कर ही नहीं सकते। तो सुपर कंप्यूटर की मदद से हम इनको रिकॉर्ड की गई जानकारी रहती है उसको अध्ययन करते हैं, फिर वहाँ पर हम जांच करते हैं कि जो विस्फोट की गई जगह रहती है उसके जो दायरा रहता है उस दायरे में कितना ज़्यादा उपलब्धता है उन सब चीज़ों की जो हमें चाहिए। अगर उन सब चीज़ों की उपलब्धता वहाँ पर मिल जाती है तभी हम वहाँ पर आगे की प्रक्रिया स्टार्ट करते हैं, अगर नहीं मिलती है तो हम उसको वहीं पर छोड़ देते हैं, जितना पैसा लगा जितना टाइम लगा वो सब वेस्ट हो गया। अगर नहीं मिला तो फिर हम दूसरी जगह कहीं ट्राई करते हैं, ट्राई टू नेक्स्ट। लेकिन अगर मिल गया तो फिर हम वहीं से प्रोडक्शन वेल को खोद देते हैं, मतलब कुओं का निर्माण कर देते हैं, कुओं को खोद देते हैं या बोरवेल खोद देते हैं या बोरिंग कर देते हैं, फिर कहीं फिलहाल हम उसे निकालने के लिए इंतजाम कर देते हैं, उसको निकालने की सोचने लगते हैं या फिर निकालना स्टार्ट कर देते हैं धीरे धीरे करके। तो पृथ्वी के अंदर जो प्रोडक्शन बेल रहते हैं तो इसीलिए खोदे जाते हैं कि उन्हीं से हम इन सब चीज़ों का निष्कासन करते हैं। तो इस प्रकार से कुछ इसका जो विस्फोटक रहता है काम करता है, विस्फोटक को इसीलिए उपयोग करते हैं कि वहाँ पर ब्लास्ट करवाया जाए, ब्लास्ट करवाने के बाद वहाँ से हम जांच करवा लेते हैं। बेलियम निकलता है पृथ्वी के अंदर से इन प्रोडक्शन बेल की सहायता से। मान लीजिए ये एरिया है जहाँ से हमें इतने एरिया में हमारा जो पेट्रोलियम है वो उपलब्ध है, पेट्रोलियम हमें यहाँ पर मिल गया, इतना पेट्रोलियम मिला, इसमें गैसेस वैसे सब मिक्स है। तो फिर यहाँ से जो हम पेट्रोलियम का निष्कासन करते हैं, कुओं को निर्माण करते हैं, जिन्हें हम प्रोडक्शन बेल बोलते हैं, इनकी मदद से हम यहाँ से पेट्रोलियम को निकालते हैं। तो जो इस प्रोडक्शन बेल से जो पेट्रोलियम निकलता है उसमें डीजल, पेट्रोल और जो गैस रहती हैं, और इन सब चीज़ों के साथ साथ जो पेट्रोलियम जेली निकलती है और जितने भी अदर सारी उपयोग करने वाली चीज़ें हैं वो सब यहीं से निकलती हैं। पेट्रोलियम जेली जिसको हम लगाते हैं, चेहरे पर लगाते हैं, इसका उपयोग करते हैं, और इसके साथ साथ जितने भी अदर टाइप के मटेरियल रहते हैं इनसे बहुत सारे मटेरियल निकलते हैं, जो कुछ वेस्ट हो जाते हैं और कुछ यूज कर लिए जाते हैं। देखिए कोई भी चीज़ हो तो उसके फ़ायदे और नुकसान दोनों होते हैं। पृथ्वी के अंदर जो चीज़ें हैं उसके फ़ायदे भी होते हैं और नुकसान भी होते हैं, वहाँ से हम लाभ भी उठाते हैं हानि भी उठाते हैं। हानि क्या, अब जैसे कि ये अगर ये डीजल पेट्रोल और गैसों को जब जलाते हैं तो यहाँ से हमें कुछ ना कुछ पॉल्यूशन तो मिलता ही है, तो ये सब चीज़ें हानि की हुई। और जो लाभ की चीज़ें होती हैं तो इसका प्रोडक्शन बेल से हम जब इसको पेट्रोलियम को निकालते हैं तो उसके साथ साथ पेट्रोलियम जली जैसे अदर सारे इम्पॉर्टेंट या अदर सारे महत्वपूर्ण या अदर सारे यूजफुल जो चीज़ें रहती हैं वो यहाँ से मिल जाती हैं। तो इन सब चीज़ों का हम उपयोग कर लेते हैं। तो पृथ्वी के ऊपर जो पृथ्वी की ऊपरी सतह रहती है तो वहाँ पर हम कुछ इस प्रकार से उसकी खोज करते हैं और निकालते हैं, तो कुछ इस प्रकार से है। लेकिन वहीं अगर हमें समुद्र में पेट्रोलियम की खोज करनी रहे तो उसके लिए क्या करते हैं, तो वहाँ भी समुद्र जो रहता है उसमें जहाज़ तो चलते ही हैं। जब वहाँ पर जहाज चलते हैं समुद्र में तो उसमें जैसे ये समुद्र है पूरा,
ये पूरा समुद्र है, समुद्र में जहाज चलते हैं, तो जहाजों में हम सीमित तरंगे रहते हैं, हम इसी सीप की सहायता से इसे इन्हें भेज देते हैं कहाँ, पृथ्वी जो जल रहता है जल के अंदर भेज देते हैं, जो सीमित तरंगे रहते हैं ये जल के अंदर जाती हैं, और जहाँ पर इन्हें जमीन मिल जाती है या जहाँ पर इन्हें इन सब चीज़ों के भंडार मिल जाते हैं, तो वहाँ पर ये सब तरंगे जो रहती हैं जाती हैं, फिर जाती हैं टकराती हैं, टकराने के बाद ये पुनः बैक हो जाती हैं, और जब पुनः बैक हो जाती हैं तो फिर वहाँ पर सिस्मोफोन की मदद से इन्हें रिकॉर्ड कर लिया जाता है, और रिकॉर्ड करने के बाद फिर इन्हें लेके जाया जाता है लैब में, और लैब में इन्हें टेस्टिंग के बाद पता कर लिया जाता है कि कहाँ पर क्या किस चीज़ की उपलब्धता है। अच्छा, जो इसका जो लैब है तो वो लैब हैदराबाद में इसका अध्ययन किया जाता है, हैदराबाद में इन सब चीज़ों का अध्ययन किया जाता है, जो सिस्मिक तरंगे रहती हैं इनको सुपर कंप्यूटर की सहायता से इसी हैदराबाद में हम इसका अध्ययन करते हैं। तो इस प्रकार से कुछ समुद्र के अंदर जो पेट्रोलियम को सर्च करने की प्रक्रिया रहती है वो इस प्रकार रहती है, और वहाँ पर जब हमें जो मिल जाता है, अगर नहीं मिलता तो दूसरी जगह ट्राई करते हैं, अगर मिल जाता है तो वहाँ पर भी हम पेट्रोलियम को निकालने के लिए प्रोडक्शन वेल खोद देते हैं, जिनकी सहायता से हम वहाँ से भी पेट्रोलियम का निष्कासन करते रहते हैं। तो कुछ इस प्रकार से है कि हम उसकी खोज कैसे करते हैं, खोज करने के बाद उन्हें कैसे निकालते हैं। तो आई होप इस वीडियो में दी गई जानकारी को आप समझ पाए। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।